और सामने जो आवाज सुन रहा है मेरी, आपके अंदर के गणेश तत्व को मेरा गणेश वंदन। आज एक मैसेज लेकर आया हूं, गणेश जी क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। सालों से हम आरती उतार रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं वो विराजित गणेश जी, कि तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। कल ऐसा जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वो जो तू चाहता है। क्या चाहते हैं गणेश जी? मैंने आपको गणेश बोला, गणपति बप्पा मौर्य, आवाज लगा एक बार, गणपति बप्पा। क्यों बोलते हैं गणपति बप्पा मौर्य, कोई बताएगा मुझे? सालों से हम ये उद्घोष लेकर चला रहे हैं, गणपति बप्पा मौर्य। मौर्य 14वीं सदी में एक मौर्य गोसावी करके गणेश भक्त था, जिसने अपनी साधना को, गणेश की आरती को, मानव सेवा को समर्पित किया। और सुखहरता दुखहरता, ये जो आरती गाते हैं आप लोग, वह समर्थ रामदास ने उनके साहित्य में सीखी ये आरती। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, क्या कहना चाहती है आपसे? आज तक कभी आपने सुना कि धरती पर आकर गणेश जी किसी अंधे को आंख दे गए, किसी कोड़ी को काया दे गए? नहीं, वह आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप किसी के जीवन के गणेश बने, उनके विघ्न दूर करें, उनकी आंखें बंद करें, उनकी आंखें बने, उनकी शरीर बने और उनके विघ्न दूर करें। आज सब लोगों में इतने सारे गणेश जी, मैडम ने बोला जल जल बचाओ। अरे आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए विघ्नहर्ता बन सकते हैं अगर आज आप जल बचाएंगे, अपनी नेत्रदान करके अंधे को आंख दे सकते हैं। आपकी आंखों से जो नेत्रदान किया, उससे एक व्यक्ति से 6 व्यक्ति रोशनी पा सकते हैं। क्या सोचे गणेश की आंखें आरती गाने के साथ साथ उसको अपने अंदर भी अमल करें। गणेश जी क्यों बने? जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। अरे माता पिता को इन्होंने ब्रह्मांड बना, तब गणेश बने। आज अपने आप से बात करो, आप सब लोग जो आए हो, क्या माता पिता का उसी प्रकार सम्मान कर रहे हो जिस प्रकार गणेश ने किया? इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप को देना, क्या आपके कारण किसी के विघ्न दूर हो सकते हैं? आज के जीवन में साक्षात गणेश कहीं मौजूद है, साक्षात पहला गणेश हमारे नरेंद्र मोदी जी। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का चश्मा लगा के नहीं बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने कितने विघ्न दूर करे इस देश के, आप जानते हैं। यहाँ मैं जैसे ही घुसा, दादा दयालु, दादा दयालु, दादा दयालु, मतलब इन्होंने भी कितने विघ्न दूर करे, ये साक्षात गणेश है। जो इनके पास आता है समस्या खाली लेकर जाता है, पूरी होती है। तो मेरा निवेदन इस उद्बोधन से यही था कि आप लोग गणेश की आरती सुनने के साथ साथ उसको अपने ऊपर भी अमल करें, किसी की तकलीफ दूर कर सकते हैं, उसके जीवन के विघ्नहर्ता बने। अरे अपनी आँख नेत्रदान करने के बाद किसी की आँखें बने, और कुष्ठ रोगी जो काया के लिए तरस रहे उसकी जाकर थोड़ी मदद करें। यही उद्बोधन संदेश मैं आपके बीच में आया हूँ, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने सारे गणेश जी मेरे सामने हैं, ये सब संकल्प लेंगे और संकल्प लेकर विघ्न हरेंगे जन आंदोलन के लिए, कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम जल का विघ्न नहीं होने देंगे, उनके जीवन के विघ्नहर्ता बनेंगे। धन्यवाद। एक बार जोरदार गणपति बप्पा।